हेलो एवरीवन, जैसे कि थंबनेल से और वीडियो के टाइटल से आप लोगों ने देख लिया है, आज हम बात करेंगे किंग मास्क के बारे में। कुछ देर पहले मैंने यहां पर पोलिंग करवाई थी अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर तकरीबन 1400 लोगों ने टोटल वोटिंग की थी, जिसमें मैंने पूछा था आप किस चीज़ के बारे में वीडियो नेक्स्ट चाह रहे हो। किंग मास्क था, उसमें प्रोविरन टैबलेट थी जो कि पीसीटी में यूज़ होती है, उसके अलावा HCG था जो कि पीसीटी का ही प्रोडक्ट है, उसके अलावा नैनो X9 एक प्री वर्कआउट था और सामसब। तो आप लोगों ने 53% वोटिंग की थी कि किंग मास्क बारे में वीडियो चाहते हो। तो आज की इस वीडियो जो है किंग मास्क के बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे, कौन से लोग इसको यूज कर सकते हैं, कौन से स्टैक के साथ इसको यूज किया जा सकता है, अगर आप लोग गेनिंग कर रहे हो, गेनिंग साइकिल कर रहे हो स्ट्रीटर का, क्या इसको इसमें ऐड किया जा सकता है या नहीं, कटिंग में अगर इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितनी इसकी डोसेज लेनी है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलें टाइम जाया किए बगैर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता चलूं किंग मास्क, ये बेसिकली रोनी कोलमैन का सिग्नेचर सीरीज है जो कि हमारे एक लेजेंड बॉडी बिल्डर रह चुके हैं और ऑलरेडी भी एक्स हमारे बॉडी बिल्डर हैं। कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ चल रही, बट उनका वो दूसरी चीज़ें हैं। ही इज़ रियली लेजेंड जिनकी ये सिग्नेचर सीरीज है और ये बेसिकली गेनर है किंग मास्क। इट्स मीन कि कोई भी किसी अगर आप एनाबोलिक मास देखते हो, सीरीज मास देखते हो, ट्रू मास देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो जिस चीज़ के साथ मास आप ऐड कर लेते हो तो वो गेनर्स हो जाते हैं, जो कि हमें साइज गेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, मसल गेन करने के लिए, मोस्टली वेट गेन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका भी सिंपल सा जो फर्स्ट प्रोसीजर है यूज़ करने का, जो है वो मतलब इसका क्या है, मकसद क्या है, वो है इनक्रीज मास और एनर्जी। एनर्जी ऑटोमेटिकली इसके साथ हमारी बॉडी में आ जाती है, उसकी रीज़न क्या है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का इंटेक जो है वो ज़्यादा होता है। बाकी चीज़ें मजीद मैं आपको इसके साथ फर्दर एंड फर्दर जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सिंपल पहले यहाँ पर ये बताता चलूँ आपको कि किंग मास है, इसके अंदर जो कैलोरी हमको वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अगर इसके सर्विंग की बात की जाए तो सर्विंग इसकी जो है उसके अंदर तकरीबन 125 ग्राम सर्विंग का अगर देखा जाए, तो उसके अंदर हमको 30 ग्राम प्रोटीन और 500 कैलोरी जो है ना हमको पर सर्विंग मिल जाती है। और 30 ग्राम प्रोटीन इज़ गुड, और ये भी कहा जाता है कि वन टाइम में ह्यूमन बॉडी जो है 30 ग्राम तक प्रोटीन जो है डाइजेस्ट कर सकती है, बट अगर आप कटिंग कर रहे हो तो आप 60-70 ग्राम तक भी हमारी बॉडी डाइजेस्ट जितना मर्जी करवा लो, बट कहते हैं एक वक्त में 30-35 ग्राम हमारी बॉडी प्रोटीन जो है अब्सॉर्ब करती है। बट ये जूट है एक्चुअल डिपेंड करता है कि आपके मसल डैमेज कितना हुआ और आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन की नीड है, 300-400 ग्राम भी प्रोटीन हम लोग ले सकते हैं। खैर, टॉपिक से हटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप डेली बेस पे इसकी जो है 2 सर्विंग अगर लेते हो, 250 ग्राम मतलब एक पाव बनता है, तो उसके अंदर आपको 60 ग्राम प्रोटीन और 1000 कैलोरी आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाएगी। उससे सबसे अच्छी बात क्या है जिसकी वजह से इसको ज़्यादा लाइक भी किया जाता है, वो ये है कि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी है। बहुत से गेनर्स आप लोग देखते हैं जब उसको शेकर में डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, तो आपका हाथ थक जाता है शेक करते करते, बट वो मिक्सिंग नहीं होती है, तो मिक्सिंग में बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर इसके अंदर सर्विंग में इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो 90 ग्राम तक आपको कार्बोहाइड्रेट, 30 ग्राम प्रोटीन और 12 ग्राम तक शुगर जो है आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो इसका मतलब यही है कि 90 ग्राम कार्ब इसके अंदर कैलोरी जो है मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 9×36=360 कैलोरी मिल जाती है, और आपका 1 ग्राम कार्ब जो आपकी बॉडी के अंदर 3 ग्राम तक वाटर होल्ड करता है। इसका मतलब यह है कि अगर 100 ग्राम कार्ब आप ले रहे हो इस प्रोटीन के साथ, इस गेनर के साथ, तो आपकी बॉडी में 300 ml तक ये वाटर जो है वो ओवरऑल बॉडी में होल्ड करेगा। मतलब ये है कि इसको आप कटिंग के फेज में तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कटिंग के दौरान हमने एक चीज़ मेन देखनी होती है कि हमारी बॉडी में वाटर होल्ड जो है वो नहीं हो। तो ये चीज़ आप लोगों की पहले क्लियर होगी, कटिंग में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। बट मोस्टली वो लोग जिन बंदों का जो वेट है, वेट कैटेगरी में आते हैं 50, 55, 60, 65, even 70 के बिलो भी अगर आप लोग आते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका बेस्ट वे जो होता है वो यूज़ करने का यही होता है कि बहुत से लोग ये गलती ये करते हैं कि इसको अपने आफ्टर वर्कआउट फौरी रात को, मोस्टली लोग वर्कआउट करते हैं जो स्टूडेंट्स लोग हैं, तो वो क्या करते हैं उसके बाद फौरन इसको ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है आपका जो डिनर मील होता है वो स्किप हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताएं, अगर आप 500 कैलोरी आप लेते हो इसको लेने के बाद, और जो मेन आपने डिनर से आपने 500-600 कैलोरी लेनी है वो आपकी स्किप हो जाती है, तो ये आपके डिनर के साथ लेवल हो जाता है, जिसका ड्रॉबैक्स क्या होता है कि आपका वेट गेन नहीं होता है। तो बहुत से लोग ये लोग गलतियां करते हैं। तो
बेस्ट चीज क्या है, आपने आफ्टर वर्कआउट अपना जाके अच्छे से मील लेना है जो भी आपका डिनर बनता है, उसके बाद रात को आप पता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, सोने से पहले इसको मिल्क शेक में या सिंपली मिल्क में डाल के आप इसको ले ले, तो आपकी ओवरऑल कैलोरी डिनर की और इसकी डाल के 1000 प्लस हो जाती है, जिससे आपका ऑटोमेटिकली वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप लोग इसको ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको सुबह मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट या जैसे एज ए स्नैक मील होता है सुबह 8-7 बजे अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो, 10-11 बजे के दरमियान भी आप इसका मिल्क शेक पी सकते हो, फिर आप दोपहर को 1-2 बजे अपना जो डिनर आपने लंच जो करना था सॉरी वो आप लोग कर सकते हो। बट अगर आप लोग यहाँ पर गेनिंग स्टैक कर रहे हो तब भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो, बट एक चीज का आप लोगों ने यहाँ पर ख्याल रखना होता है, जब आप लोग गेनिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान ऑलरेडी आप सेस्टेनॉन, टेस्टोस्टेरोन, एनाथ्रेट इस तरह की चीजें ले रहे होते हो, जैनाबोल ले रहे होते हो, ऑक्सीमेथालोन, जो कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर होल्ड करती हैं, तो आपने ये चीज देखनी है कि इसको फिर आपने वाटर के साथ मिक्स करके यूज करना है, आपने दूध के अंदर मिक्स करके नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको दूध के अंदर मिक्स करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो डर्टी बल्क की तरफ चली जाएगी, जो कि आई थिंक एक अच्छी रिजल्ट, अच्छी कंडीशन आपकी बॉडी की नहीं होती है। इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, खाने में भी आपकी डाइट भी ऑलरेडी जो होती है वो हाई कार्ब होगी, तो सारा कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होकर फिर आपको मोटा कर देता है, इसीलिए इसको जब आप लोग यूज करो तो कोशिश करो आप इसको वर्कआउट के फौरन बाद या किसी भी टाइम आप इसको पानी के अंदर मिक्स करके यूज कर सकते हो, अगर आप लोग साइकिलिंग कर रहे हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ जाता, आप बिगनर हो, एडवांस हो या कोई भी लेवल के, जब आपने गेनिंग करनी है तो उसको गेनिंग साइकिल के साथ आप इसको इजी ले सकते हो। इसकी अगर कुछ साइड इफेक्ट की बात की जाए तो कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट भी ऐसे खास बड़े नहीं है, नॉर्मल साइड इफेक्ट को बेनिफिट भी कहा जाता है, साइड इफेक्ट कहा जाता है, साइड इफेक्ट ये है कि आपका एक्सट्रीम वेट गेन जो है वो कर देता है, और अगर स्किनी पर्सन के लिए देखा जाए तो ये बेनिफिट्स है, मोटे बंदों के लिए देखा जाए तो ये एक साइड इफेक्ट है। उसके अलावा अगर आप पानी वगैरह का इंटेक कम रखते हैं और सिर्फ इसको पीते जाते हैं तो ये है आप आपके लीवर और किडनी के लिए थोड़ा सा हार्श हो सकता है, ज्यादा नहीं, अगर आप लोग पानी अच्छे से पीते हैं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट है जो मैं आप लोगों को बता चलूं, इसके अंदर जो प्रोटीन ब्लेंड है, मतलब हर किस्म का प्रोटीन कंसंट्रेट हाइड्रोलाइज उसके अंदर ब्लेंड अलग है, उसके अलावा इसके अंदर मिल्क प्रोटीन आइसोलेट जो है वो भी इंक्लूड किया गया है, सोयाबीन जो ऑयल है वो इसके अंदर डाला गया है, उसके अलावा कॉर्न सिरप इसके अंदर डाला गया है, पीनट ट्री पीनट और उसके अलावा होल व्हीट जो प्रोडक्ट्स है ना इसके अंदर डाली गई है, कुछ एग्स के और कुछ फिश के भी इंग्रेडिएंट्स के अंदर मौजूद हैं, जिन लोगों को एग से और फिश से या दूध से सिंपली बोला जाए कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है तो वो इसको एज ए ट्रायल बेस चेक कर सकते हैं, अगर उनको लगे कि उनको स्टमक में पेन है या डायरिया वगैरह रुक नहीं रहा तो वो यही समझ ले कि इसके अंदर लैक्टोज भी कुछ हद तक मौजूद है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, वो फिर डायरेक्टली वे आइसोलेट पे या किसी और प्रोटीन पे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको लेने का उनको फायदा नहीं होगा, फर्क इतना पड़ेगा सिर्फ ऊपर से पिएंगे नीचे से वॉशरूम में निकल जाएगा, तो ये चीजें आपने जो है वो देखनी है। अदरवाइज गुड गेनर, अगर आप लोग स्किनी हो, अपना वेट गेन करने का सोच रहे हो एक अच्छी कंडीशन में, तो सिंपल सी शार्ट जो समरी मैं आपको बताता चलूँ, रोनी कोलमैन की सिग्नेचर सीरीज की एक प्रोडक्ट है जिसकी पर सर्विंग जो है आपको 30 ग्राम प्रोटीन और आपको 500 कैलोरी जो है मिल जाती है, और आप इसको तकरीबन 250 ग्राम पर डे के लिहाज से ले सकते हो, जिसके अंदर स्कूप है आप देख सकते हैं कितने ग्राम का आपको मिल रहा है, तो अगर आप लेते हो 250 ग्राम उसके अंदर आपको 60 ग्राम तक प्रोटीन, यही समझ लें कि 200 ग्राम जो चिकन होता है ना वो 60 ग्राम प्रोटीन हो जाता है, तो वो आपको इसके अंदर से मिल जाता है, और फिर जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर आपको अराउंड 180 ग्राम मिल जाएगा, अगर आप तकरीबन 250 ग्राम तक लेते हो तो, उसके अलावा शुगर जो आपको 25 ग्राम के पास पास आ जाएगी जो कि काफ़ी शुगर हो जाती है, इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज मास कर सकता करेगा, उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल जो है डेफिनेटली वो बढ़ा देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करता है, और आप इसको एज ए गेनिंग एज ए बिगनर यूज कर सकते हो, मिल्क के अंदर अगर आप लोग साइकिलिंग कर रहे हो गेनिंग वाली तो आप इसको वाटर के अंदर आप लोगों ने यूज करना है, आपको इसके अच्छे रिजल्ट जो है वो है, अगर आप लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है दूध से फिश से या किसी एलर्जी है तो कोशिश इसको आप अवॉइड कर सकते हो, उसकी जगह कोई और आप अल्टरनेट जो है वो ले सकते हो, तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो है वो पीनट होल ग्रेन्स सोयाबीन ऑयल ट्री नट्स और मिल्क प्रोटीन आइसोलेट जो इसके अंदर शामिल है। तो यही थी आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट किंग मास, आई होप आपको सब समझ भी आ गई इसको कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं यूज़ करना, तो वीडियो मुझे पता है थोड़ी लेट आ रही है और उसके लिए मैं सॉरी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे
बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं कवर करने वाले हैं आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट कंपटीशन भी आने वाले हैं, चैंपियंस सीरीज भी आने वाली हैं, मेन फिजिक को लेकर और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो जो है वो लेकर मैं आऊँगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में चलाते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।